हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत धामे एंड आई वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तक चल रही है तुम्हारी तैयारी? तो आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए अब मैं अन अकेडमी पर आ गया हूँ। बताओ, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? बहुत सारे कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत कुछ तुम्हें सिखाने वाला हूँ और हर एक दिन आपका प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ। लेकिन 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 इससे पहले पॉइंट ये है कि मैं अपनी जर्नी तुम्हारे साथ स्टार्ट करूँ, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि जब मैं तुम्हारी जगह हुआ करता था तो किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन किया करता था और क्या क्या मैंने मिस्टेक की थी, जो कि वो मिस्टेक तुम ना कर पाओ। तो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपकी लाइफ बदल देगी। क्योंकि जितनी गलती मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, वो गलती मैं तुम्हें दोबारा नहीं करने दूंगा। मैंने भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे आगे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज की दिन की शुरुआत हम एक अच्छे थॉट के साथ करें कि इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि अगर तुम्हारी डिजायर है सक्सेस होने की, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, या तुम्हें मान लो कि आईआईटी जेम क्रैक ही करना है, तो तुम्हें इस बात का मन में इतना सा भी डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि ये नेगेटिव थॉट तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है जो तुम्हें दो पहलू दिखाने लगता है एग्जाम की। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ, तुम्हें दुनिया की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर आईआईटी जैम बताने जा रहा हूँ। आईआईटी जैम हो या सीएसआर नेट हो या गेट हो, हर किसी की तुम्हें इसी वीडियो से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अब तुम्हें आएगा कि सर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहे हो तो आपने क्या उखाड़ा है जिंदगी में आज तक ऐसा? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मंजीत धामा, क्वालिफाइड मैनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाइड इन फ्यूचर। तुम अपने आने वाले फ्यूचर में पक्का इन सारे एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। कब? जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से सीखते रहोगे। तो डेफिनेटली जेआरएफ भी आपको देना पड़ेगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, गेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीएफआर अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, दुनिया मतलब मैं कह रहा हूं कि इंडिया का सबसे बेस्ट मैं मानता हूं कि टीएफआर ही होता है। आईटी जेम क्वालिफाइड ये तो छोड़ो, इनकी प्रिपरेशन तो मैं तुम्हें करा नहीं जा रहा हूं। डीयूएमएससी, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबके एग्जाम मैंने दिए थे। इसलिए नहीं कि मुझे वहां पर जाना था, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि इन एग्जाम में बैठ के कैसी मेंटेलिटी होती है बच्चे की। मैं ये खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है। मेरे क्वालिफाइड था, मेरा एडमिशन था, सब कुछ था, लेकिन मैं फिर भी एंट्रेंस एग्जाम देता था। वो इसलिए कि मुझे एक्सपीरियंस पता लग सके। तो अगर आप भी इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फटाफट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में जुड़ जाइए, क्योंकि जहां पर तुम्हें मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब समझ रहे हो? अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि यहाँ पर अगर 20 एजुकेटर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो उन 20 एजुकेटर की वीडियोस को आप फ्री में देख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पास क्या है, हम एक बार में एक ही कोर्स लॉन्च कर सकते हैं और वो कोर्स बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रक्चर में होते हैं। स्ट्रक्चर में समझ रहे हो क्या होते हैं? बिल्कुल सॉलिड स्टेट देखा है ना, सॉलिड स्टेट में जैसे एक पैकिंग होती है, ऐसे ही जो कोर्स होगा वो बिल्कुल स्ट्रक्चर में होगा। आपको पूरा कोर स्टडी कराया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, असाइनमेंट कराए जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। और सबसे मजे की बात जानते हो क्या है कि लाइव क्लास होने वाली है। सारी की सारी जितनी भी क्लास होगी लाइव क्लास, आपके सारे के सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में अनअकैडमी इस तरीके का चेंज कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में कि आप बोलकर भी हमें अपना डाउट बता सकते हैं। सोचिए इतने ज़्यादा फीचर तुम्हें मिलने वाले हैं कि घर बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, तुम्हें इधर से उधर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठ के डाउट पूछिए, सर हमें ये डाउट आ रहा है, लाइव क्लास में तुम आगे डाउट पूछ सकते हो, बस थोड़ी सी दूर है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे जान रहे हो कितने हैं, और ये सब आपको मिल रहा है, सोचो कितने कम अमाउंट में आपको देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखो कितने में है, देखो कितने 10,125 रुपए में।
लेकिन मैं कहूंगा कि तुम इसको कभी भी प्रीफर मत करना, क्योंकि आपको लेना कौन सा है, या तो 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का। जो बीएससी थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, बीएससी थर्ड ईयर में, चाहे वो आईटी जेम की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, चाहे वो डीयू की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करा रहा हो, या फिर बीएचयू की प्रिपरेशन करा रहा हो, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो कि मुझे वहीं से ही करना है, तो डेफिनेटली वो इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करे। ये जो 24 मंथ वाला है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। और एक मजे की बात और बताऊं तुम्हें, मजे की बात ये हो गया कि अब तुम बीएससी के थर्ड ईयर में होते टाइम, अब तुम बीएससी में भी साथ के साथ क्या दे सकते हो, अरे क्या दे सकते हो, गेट भी एग्जाम दे सकते हो। तो अगर तुम्हें पढ़ना है और गेट की तैयारी भी साथ के साथ करनी है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए और ये MDD10 कोड यूज कीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। और जैसे ही आपको 10% ऑफ मिला, और आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 12,000 दिख रहे हैं ना, इसमें से 2,000 कम कर लो तो अप्रोक्स 10K हो जाएगी, इसमें से 2,000 कम कर लो तो मतलब कितनी हो जाएगी, 16K। अरे तुम दोनों दोस्त मिलकर भी ले लोगे ना, तब भी तुम्हें फायदा हो जाएगा, समझे। कितना भी देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस है, किसी भी एजुकेटर की वीडियो देखिए, किसी भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, ये इसका बेनिफिट होने वाला है। तो फटाफट मुझे अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जो कोर्स है उसको परचेज कीजिए, और मंजीत धामक को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी अनअकैडमी में CSR UGC नेट कैटेगरी में पढ़ा चुका हूं, और जहां पर मैंने बहुत ही फ्री क्लासेस ली है जो कि कंप्लीट की गई है। जैसे मैंने वहां पे 3 फ्री क्लासेस किसकी ली थी, 3 फ्री मतलब 3 कोर्स किए थे। एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कराया था, जो कि BHU के बच्चों के लिए, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके MSc में तो तुम्हें 100% ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर आगे जाके इसी में से गेट में से आता है और इसी में से नेट में से आता है। तो वो कोर्स लर्निंग ऐप पे बिल्कुल फ्री में है, स्पेशल क्लास में जाइए, मेरी प्रोफाइल मंजीत धामा सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद मुझे फॉलो कीजिए, जिससे तुम्हें हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ इसमें मैंने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया था, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी तुम्हें पता है TFR के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और IIT JEE के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी कराई गई है कि चाहे तुम गेट का क्वेश्चन लगाओ, चाहे तुम नेट का क्वेश्चन लगाओ, या इंडिया का कोई भी क्वेश्चन लगाओ, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, किसी भी एग्जाम का, तुम उसे लगा लोगे, समझ रहे हो, लगा लोगे, क्योंकि इस तरीके से मैंने वो पढ़ाई है। और आज की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले में भी मैं बहुत प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कभी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं बताई, सिर्फ एक बार DU BHU की बताई थी। और आज मैं तुम्हें यकीन से कह रहा हूँ कि DU में जाके देख लो और BHU में जाके देख लो, उनमें से कम 70% बच्चे वो होंगे जिसने वो वीडियो देखी है, या मैं कह सकता हूँ कि 100% बच्चे भी होंगे कि वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि जिस जिस बच्चे ने वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखी थी, आज वो या तो DU में बैठा है या आज वो BHU में बैठा है, उसने ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लिया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ड्रॉप लेना नहीं चाहते और IIT JEE क्वालिफाई करके IIT में पहुंचना चाहते हैं, और अपनी मास्टर के बाद अपनी PhD भी अच्छी जगह से करना चाहते हैं, तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो जो गलती तुम अपनी लाइफ में करने वाले हो या आगे करोगे, उन पर ये ध्यान जरूर रखना कि मंजीत सर ने ये बात बताई थी, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, और जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद जितनी भी सारी वीडियोस, जितने भी सारे लाइव सेशन होंगे, मैं इसी चैनल पर लेने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 और 2 7 7 स्टेप फॉलो करने हैं आपको इतने सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा किसी भी एग्जाम के लिए, वो होता है डिसीजन। सबसे पहले तुम्हें खुद से डिसीजन लेना है, क्या तुम सच में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने हैं,
वाई? क्या तुम सच में क्वालिफाई करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? एक तो रियलिटी कि खुद को अपने आप, तुम चाहे दुनिया का पागल बना सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन कभी भी अपने आप को धोखा मत देना, क्योंकि तुम अपने आईने खुद हो। खुद जब भी तुम आईटीजेम प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो खुद से एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या मुझे सच में आईटीजेम की तैयारी करनी है और मुझे आईटीजेम की तैयारी क्यों करनी है? हमें कभी ये दोस्तों के चक्कर में नहीं आना कि वो आईटीजेम की तैयारी कर रहा है, हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा दोस्त जा रहा है तो मैं भी कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, वो जा रही है तो मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ, चलो आईटीजेम की कोचिंग कर लेंगे। ऐसे नहीं करना, हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आईआईटी के कितने फायदे हैं, वो डिसीजन तुम्हें इतना स्ट्रोंग करना है कि पहले बार में तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि कर दूंगा, क्योंकि डिसीजन सबसे मेकिंग। अगर तुम किसी और की कॉपी करके करते हो तो उसमें वो मजा नहीं आएगा, तुम वो मेहनत नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बचपन में जब तुम बाहर खेलने जाते थे और तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोकती थी कि बेटा आज शाम को तू घर से बाहर नहीं जाएगा वरना बहुत पिटेगा, लेकिन हमारा डिसीजन अटूट होता है, चाहे घर पे आके हमारी जान क्यों ना ले ली जाए, लेकिन मैं शाम को बाहर घूमने या खेलने जरूर जाऊंगा। वो डिसीजन मुझे यहाँ पे चाहिए जब तुम आईटीजेएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, इफ यू बिलीव स्ट्रांगली इन समथिंग डोंट बी अफ्रेड टू फाइट फॉर इट। समझ रहे हो? उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग रहो। तुम्हें पता है घर आके तुम पिटने वाले हो, मैं भी अपनी उम्र में बहुत पिटता था, डेली आके पिटता था, लेकिन कभी भी शाम को बाहर घूमना नहीं छोड़ता था, क्योंकि मेरी विल पावर स्ट्रांग थी। मुझे पता है कि मुझे बाहर जाना है, खेलना है, चाहे घर आके कुछ भी हो जाए बाद में देख लूंगा। तो सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए डिसीजन बहुत जरूरी है, मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है और मैं करूंगा। बस इतना काम हो गया तो तुम्हारा 50% काम भी हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 2, आईटीजेएम सिलेबस। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहला स्टेप अगर फॉलो कर लिया तो उसके बाद उसका सिलेबस देखो। चाहे तुम गेट का एग्जाम दे रहे हो या तुम आगे सीएसआर यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, किसी का भी एग्जाम दोगे, सबसे पहले डिसीजन लेकर उसका सिलेबस देखो। जाओ फटाफट और उसका सिलेबस डाउनलोड करो। कहां से करोगे डाउनलोड? कोई जरूरत नहीं है, जो आईटीजेएम का अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सारा आईटीजेएम का सिलेबस डलवा दूंगा। तो वहां से आईटीजेएम केमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो सबसे सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सिलेबस जानना, कि हमारा सिलेबस क्या है जिससे हम लड़ने वाले हैं, वो कितना भारी भरकम है, कितना बड़ा दिखने में है, हमें कितना आता है उसमें से। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बताओ क्या है? अंडरस्टैंड आईटीजेएम एंड एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। बोलो तीसरे पे है कि किस तरीके से लड़ना है, मतलब हमें पता लग गया कि आईटीजेएम का सिलेबस ये, अब हमें पेपर पूछना है। मैं ऐसे बता रहा हूं, मुझे इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन बच्चों से जब मैं क्लास में पूछ लेता हूं कि बता भाई आईटीजेएम का एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, उससे यकीन मानिए उसे बता ही नहीं जाते। उसे चार चार पांच पांच महीने कोचिंग लेते हो गए मेरे पास, लेकिन जब मैं उसे पूछता हूँ कि भाई इसका आईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर में कितने आएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर में आएगा, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो कोचिंग ले रहा है। क्या तुम भी इसी लाइन में जुड़ना चाहते हो, इसी लाइन में गधों की लाइन में पीछे चलना चाह रहे हो? नहीं, तुम्हें कुछ अलग करना है। तो तीसरा क्या आ गया? अंडरस्टैंड आईटी एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, जो कि तुम्हारे सामने ये रही। आईटी एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से है देखिए, तीन सेक्शन आएंगे, ए बी और सी। तीन सेक्शन में पहला क्या होगा? एमसीक्यू, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 30। सेकंड क्या होगा? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बच्चे मार खाना स्टार्ट कर देते हैं। वही बच्चे इस सेक्शन को कर पाते हैं जिसने कोर स्टडी की हो, जिसे एक एक कंसेप्ट पता हो चीजों का और जिसने रट्टा नहीं मारा हो। तो ये 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं। और तीसरा के NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ए सेक्शन में फिर से पार्ट डिवाइड हो जाता है, 10 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के आते हैं और 20 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। बी सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, वैसे इतना बर्डन दे दिया तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ऐसे इसी सेक्शन में जो NAT होते हैं, 10 NAT 1 मार्क्स के होते हैं और 10 NAT 2 मार्क्स के होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
सिर्फ एक ही सेक्शन में, जो ए तुम्हारा सेक्शन है, जो तुम्हारा ए सेक्शन है, जो तुम्हारा ए सेक्शन है, सिर्फ ए सेक्शन में ध्यान रखना है, सिर्फ ए सेक्शन में ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3 की। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहां से कि तुम कितनी गलती करने वाले हो। सबसे पहले तो फटाफट गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। गेट कैलकुलेटर हर किसी के फोन में रहना चाहिए। आज के बाद कोई भी किसी भी क्वेश्चन के लिए फोन का कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, इसी गेट कैलकुलेटर को यूज करेगा। समझे? पहला काम तुम्हें आज के बाद ये करना है वीडियो को देखते ही। दूसरी बात, जहां तुम यहां पे गलती करते हो वो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं। जो ये एनएटी आते हैं ना, इन एनएटी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि मुझे आंसर चाहिए 1 डेसिमल तक, मुझे आंसर चाहिए 1 डेसिमल तक, मुझे आंसर चाहिए 2 डेसिमल तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन ध्यान रखो, होता क्या है कि कभी कभी तुम एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में जाने के बाद तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो और तुम्हारा आंसर आ जाता है 60, और उसने मांगा कितना है, 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो तुम यहां पे 60.0 करके आओगे तभी तुम्हारा आंसर सही होगा। अगर तुम खाली 60 छोड़ आए तब भी तुम्हारा आंसर गलत है। ये सबसे ज्यादा मैं इतने साल से बच्चों को देख रहा हूं कि डेसिमल में सब कुछ सही है, 60 और 60.0 में देख लो सब कुछ सही है, लेकिन उसने स्पेशल मेंशन करके दे रखा है कि मुझे आंसर 1 डेसिमल पॉइंट तक ही चाहिए, मुझे 2 पॉइंट तक ही चाहिए। और ज्यादा होशियार भी मत बनना, उसने 1 में मांगा और तुमने 2 डेसिमल पॉइंट तक दे दिया तब भी गलत है। तुम्हें 1 ही डेसिमल पॉइंट तक आंसर बताना है, जिसमें भी पूछे उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4, गेट द बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर IIT जेम एंड अदर स्टडी मटेरियल्स। अब देखो ये स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने हर एक चीज कर ली, एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब बस तुम्हें कंटेंट ढूंढना है। अब तुम्हें क्या ढूंढना है? कंटेंट ढूंढना है। और कंटेंट कैसे ढूंढोगे? कंटेंट के दो रास्ते हैं, या तो तुम कोचिंग ले सकते हो या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर तुम मेरी राय मानोगे तो बेस्ट कौन सी है? कोचिंग। ये सबसे बेस्ट है कि तुम जब तुम कोचिंग लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। तो सारी स्टेप नंबर 4 जो कि कंटेंट की बात करता है, बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर IIT जेम एंड अदर स्टडी मटेरियल। कंटेंट भी वो जो सबसे बेस्ट हो। बेस्ट कंटेंट वही होता है, बेस्ट कंटेंट जानते हो कौन सा होता है? बेस्ट कंटेंट वही होता है जिसमें तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें यह पता ना लगे कि ये भी टॉपिक कोई इस एग्जाम में था। मतलब कि जो भी टॉपिक आना चाहिए एग्जाम में या कुछ भी क्वेश्चन आना चाहिए वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कंटेंट से होना चाहिए, वही बेस्ट कंटेंट है। तुम चाहे दुनिया की जितने बुक पढ़ लो लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे कंटेंट से नहीं आया, तुम्हारे नोट से नहीं आया, तो भाई फिर क्या फायदा? क्यों पढ़ा इतना? क्यों इतनी मेहनत की? अब कंटेंट इकट्ठे करने के दो तरीके हैं कि या तो तुम बेस्ट कंटेंट कोचिंग से ले सकते हो या सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। जो बच्चा दोनों चीजें करता है वो बच्चा सबसे बेस्ट है, वो बच्चा सबसे बेस्ट है। जो कि कोचिंग करता है उसका भी नुकसान होता है, जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करता है उसका ज्यादा नुकसान होता है। और नुकसान कैसे होता है? देखिए, एक कोचिंग वाला बच्चा है, सपोज करो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कंटेंट सबसे बेस्ट कहां से मिलेगा। अगर मैं सपोज करो तुम्हें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जो कि एक टॉपिक है जो IIT जेम में आता है, हमेशा 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, और TFR में भी आता है। तो ध्यान से सुनो, जैसे सपोज करो मैं तुम्हें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैक्स टू मैक्स कितने का है? 15 से 18 आवर का है, मैक्स टू मैक्स। अगर मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊं, इतना टॉपिक है, इस 15 से 18 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने पता नहीं कितनी बुक पढ़ी है, बेस्ट कंटेंट इकट्ठा की है, 10 बुक पढ़ी है कम से कम, इस बेस्ट कंटेंट को एक प्रिसाइज वे में, एक पूरे नोट्स में रखने के लिए। फिर प्रीवियस ईयर लगाए, असाइनमेंट लगाए, सब कुछ लगाया और वो पूरा कंटेंट तैयार किया और क्लास में जाके तुम्हारे सामने इस तरीके से थाली में परोस देते और तुम ऐसे कबड़ कबड़ करके खा लेते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लगता कि इसके पीछे हमारे टीचर ने कितनी मेहनत की है। तुम्हें बस मिलता है,
लेकिन तुम उस चीज का भी फायदा नहीं उठाते कि सर ने इतनी मेहनत की है, क्यों ना हम इसको 4-5 बार रिवाइज कर ले, इतना बेस्ट कंटेंट मिला है, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो हम मैंने जो तुम्हें कंटेंट पेश किया कोचिंग वाले बच्चों को जो कोचिंग लेते हैं, उन्हें मैक्स टू मैक्स मुझे कितने दिन लगेंगे? चलो मैक्स टू मैक्स अगर डेली के 2-2, 3-3 घंटे लगे या दिन के 6 घंटे भी लगेंगे तब भी 3 दिन में हो गया। चलो मान लो दिन डेली के 3-3 घंटे ले रहे हैं तब भी मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक में क्या हो जाएगा, ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 7 डेज में, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं। अब सेल्फ स्टडी वाला बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो वो बाकी बच्चों से पूछेगा कि भाई मुझे बुक बता। अब वो बुक इकट्ठा करेगा, बुक इकट्ठा करके खुद से नोट्स बनाएगा। अब एक बुक में, यही तो सबसे बड़ा नुकसान है आईआईटी जैम और आगे गेट और नेट के बच्चों के लिए, कि हमें सारा कंटेंट एक टॉपिक का एक बुक में नहीं मिलता। अगर मुझे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़नी है तो मुझे 4-5 बुक कंसीडर करनी पड़ेगी, मुझे क्लेडन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, मुझे जगदम्बा भी देखनी पड़ेगी, मुझे कैरोथर भी देखनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक की मुझे जियोफिल भी देखनी पड़ेगी, और जो इसका एक फ्लेमिंग ग्रंथ है वो भी देखना पड़ेगा। मतलब जो मैं तुम्हें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा वो कम से कम 5-6 बुक का कंटेंट इकट्ठा करके तब पढ़ाऊंगा, और साथ के साथ गूगल पे भी कुछ सर्च करना पड़ेगा, कुछ वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च पेपर भी देखने पड़ेंगे कि कुछ नया मिल जाए, बच्चों को मजा आ जाए। वो मेहनत मैंने की, मैंने तुम्हारे दिए, लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसे तो इन चीजों का नहीं पता, वो तो अपने तरीके से अपने नोट्स बनाएगा, ना उसे ये पता होगा कि बेस्ट कौन सा है, ना उसे ये पता होगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आ रहा है? उसे नहीं पता, बस वो नोट्स बनाते जा रहा है, लाइन टू लाइन लिखते जा रहा है, उसे कोई चीज अच्छी सी लगी, अरे वाह पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस पे होती है, तुरंत पॉइंट लिख लिया। आगे अरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 4+2 साइक्लो एडिशन होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन होता है, वो भी लिख लिया। वो एक एक बात लिखेगा, उस नोट्स को वो क्या करेगा, पूरी बुक बना देगा, लेकिन उसमें पढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी, फिर कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, जो हमें कोचिंग देते हैं, उन्हें कोचिंग में मजा आता है, उन्हें सारा कंटेंट प्रीसिवाइज वे में एक ही साथ मिल जाता है, थाली में रख के और खा लेते हैं। अब उनका काम क्या है, मतलब अगर खाली तुम कोचिंग करोगे तब भी नुकसान है, सेल्फ स्टडी करोगे तब तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अब जब कोचिंग वाले बच्चे होते क्या है कि उन्होंने मुझसे पेरिसाइक्लिक पढ़ा, बस अब उन्हें सेल्फ स्टडी के नाम पर क्या करना है, इसका रिविजन करना है, और वो एक रिविजन तुमसे नहीं होता। अगर तुम अच्छे से रिविजन कर लोगे तो एग्जाम में जाके तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है कि हम तो सर इतना पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम में जैसे ही पेपर आया हम तो भूल गए, इसका आंसर भी मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो बात समझ में आ गई, तो फटाफट देरी मत कीजिए, आज भी तुम लेट नहीं हो, एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें पूरी गाइडेंस देने वाला हूं, तुम्हारे साथ अंत तक रहने वाला हूं, और यकीन मान लीजिए जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हें बुक उठानी नहीं पड़ेगी। आज तक पता नहीं कितने हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, आज तक एक भी बच्चे का मेरे पास ये मैसेज नहीं आया कि सर मुझे बुक बता दो कि इस बुक में से इस कंटेंट को मैं पढ़ सकूं। समझ रहे हो, क्योंकि मैं ये सेल्फ रेस्पेक्ट पे ले जाता हूं कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया और उसमें बच्चे को बुक उठानी पड़ गई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर बच्चा क्लास में बुक पूछ लेता है, वैसे ही पूछ लेता है, मैं पूछ लेता हूँ तुझे क्या करना है, मैं उसके फायदे नुकसान उसे क्लास में बता देता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत पढ़ा है, लेकिन कभी बच्चे ने मुझसे बुक नहीं पूछी। समझ गए, तो फटाफट देरी मत कीजिए, जो बच्चे आईआईटी जैम की कोचिंग करना चाहते हैं और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिन्हें नेक्स्ट ईयर आईआईटी में देखना चाहते हैं खुद को, तो फटाफट MDD10 कोड यूज कीजिए फटाफट और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेली आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। क्लियर है पॉइंट? अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इंपोर्टेंट बुक। स्टेप नहीं है, बस उसी का मैं पॉइंट बता रहा हूं कि कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो कैसे करेगा। पूरी शर्मा पठानिया एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री की केएल कपूर है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लेडन है। मैं तुम्हें क्लेडन पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये पर्सनल कहता हूं हर एक बच्चे को कि प्लीज इस बुक को एक बार अवश्य पढ़े जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है। बिल्कुल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह इस तरीके से इस राइटर ने लिख रखी है, बहुत ही खतरनाक बुक है। राइटर क्या बोलेंगे, हम तो साइंटिस्ट ही बोलेंगे जिन्होंने इतनी बुक लिख दी। कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल बेस, जितने भी आगे एंट्रेंस तुम एग्जाम देने वाले हो, चाहे तुम कौन सा दे लो, DU का दोगे तब भी इसी बुक में से आता है, DU में बड़ी फेमस है ये,
नेट का दिल हो तब बी सी में से आएगा, गेट का दिल हो तब बी सी में से आएगा। इनफैक्ट इंटरव्यू में पीएचडी के लिए या आईसर में तुम इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन लेने बैठोगे तब भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक में इसी बुक से आते हैं। इंपोर्टेंस समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें ये पर्सनल कहता हूं कि प्लीज इस बुक को जरूर पढ़े, राइट। और ये सबके पास होनी भी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या कुछ भी, टेंशन मत लो, टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएगी। ना ना, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं फीलिंग समझ गया। अजय कुमार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बुक आती है, एक कोऑर्डिनेशन की आती है और एक आती है तुम्हारी ओएमसी प्लस बायो इनऑर्गेनिक। ये तुम्हारी बुक जो बीएससी सिलेबस में है वो भी काम करेगी। जो डीयू वाले बच्चे हैं, बीएचयू वाले बच्चे हैं, जितने भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, जामिया वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये बीएससी के सिलेबस में भी बुक कामगार है। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि इन बुक को खरीद ले, इसके दो वॉल्यूम है, मैक्सिमम 500 रुपए में आ जाएंगे। बाकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? ये पूरी शर्मा काल इतनी खास बुक नहीं है, बस फिर भी मैंने लिख दी कि इसमें कुछ टॉपिक है जो अच्छे हैं, तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें एक ही बुक चाहिए कि उसी बुक में सब कुछ मिल जाए। पूरी शर्मा का लिया जेम्स ये फॉरन ऑथर की बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है, लेकिन तुम्हें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी जिंदा है। और स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 है मेक ए मंथली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल एंड ए डेली टाइम टेबल। ये जो पांचवा स्टेप है ना, ये पांचवा स्टेप कम ही लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग करते हैं, समझे? बहुत ही कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यह भी स्टेप होता है। देखिए, कोई भी स्टेप कीजिए, इसमें मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूं किस तरीके से तुम्हें करना है। सबसे पहले इसमें मैं तुम्हें नोट्स मेकिंग बताऊंगा, इस पॉइंट्स में नोट्स मेकिंग, तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें आज तक यही नहीं पता कि सर नोट्स कैसे बनते हैं। मैं ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपना सफर तुम्हारे साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूं और तुम्हें बेस्ट देकर तुम्हें उसका रिजल्ट दिखाऊं कि हाँ देखो तुमने इतना अच्छा किया है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी कि तुम अब से स्टार्ट होकर एंड तक कैसे कंटिन्यूसली करोगे, कैसे कंटिन्यू करोगे, कैसे नोट्स बनाओगे, कैसे पढ़ोगे। पढ़ना स्टार्ट तो मैं भी कर देता, मैं भी थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा देता, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं था जब तक तुम्हें एक प्रॉपर गाइड नहीं मिला कि सर हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अरे गाड़ी माल सब कुछ हर किसी के पास है, तुम्हारे पास भी है, लेकिन जाना किस तरीके से है, कौन सा रास्ता पे हमें अपनी मंजिल मिल सकती है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तैयार सब है, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे तैयार बैठे होंगे कि हाँ हमें प्रिपरेशन करनी है और हमें भागना है, लेकिन रास्ते कितने हैं, ये भी रास्ता है, 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 किस रास्ते से जाकर हम आईआईटी जैम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो तो रास्ता यही है ना। तो इसलिए मैं पहले ही तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे तुम आगे तुम्हारी जर्नी क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए नोट्स मेकिंग, कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले जब तुम मुझसे पढ़ोगे या किसी भी एजुकेटर से पढ़ोगे, जो भी टीचर पढ़ा रहा है एक एक बात, जैसे मैं अपनी जब पढ़ाता हूं तो मैं एक एक चीज बताता हूं कि ये इंटरव्यू में यहां पूछा गया है, ये तुम्हें पीएचडी में पूछा जाएगा, इस टॉपिक से यहां क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के देगा, तो तुम्हें वे सब कुछ चीजें अपने नोट्स में डालनी है। कर दिया प्लस, प्लस करने के बाद सब कुछ हो गया, तुमने कंटेंट तैयार कर लिया और तुम्हारी जो कोर स्टडी थी वो तुम्हारी किसने करा दी, टीचर ने करा दी, तुम्हें एक एक कंसेप्ट पढ़ा दिया। ये किसका काम था, टीचर का पढ़ाने का काम था, टीचर ने अपना काम कर दिया, तुमने नोट्स बना लिए, टॉपिक क्लियर। लेकिन अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है, टीचर ने सब कुछ समझा दिया, अब असाइनमेंट सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ये तुम्हारे किसके काम हो गए, स्टूडेंट के काम हो गए, कि अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि जब टीचर ने कोर स्टडी करा दी तो तुम घर जाकर असाइनमेंट लगाओ, उनके प्रीवियस ईयर लगाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक के। अब होगा क्या, जब तुम असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर लगाओगे, यहां से दो बातें निकल के आएगी, दो बातें निकल के आएगी, दो बातें क्या, कि दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो ए और एक बी। एक टाइप के क्वेश्चन भी होंगे जो तुमसे फर्स्ट टाइम में देखते हो जाएगा, अरे क्या चिंदी सा क्वेश्चन है, अरे चल चल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ऐसी फील तुम्हें खुद ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उन क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि तुम उन्हें पहली बार में करके कर लेते हो। बी टाइप के क्वेश्चन ये होंगे
कि तुम्हें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा, और तुम गलती भी करोगे, और तुम गलती भी करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हर एक असाइनमेंट में या प्रीवियस ईयर में मैक्स टू मैक्स 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, जिसमें कुछ यूनिक सा कंसेप्ट होगा, जिसमें कुछ सेपरेट सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं, जिसमें कुछ अलग सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, अलग सा की पॉइंट यूज कर रखे उस क्वेश्चन में, या कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होगी। बस कुछ नहीं करना, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उन सारे क्वेश्चनों को उठा के इन नोट्स में ऐड कर दो। कर दिया ऐड, अब जाकर तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हुए। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब भी तुम कोई नोट्स बनाओ, स्टार्टिंग में कॉपी के पहले पेज से बना रहे हो, तुमने 50 पेज में तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो गए, और बाय चांस तुम असाइनमेंट नहीं लगा पाते या प्रीवियस ईयर नहीं लगा पाते, तो हमेशा 10 से 15 पेज हर नोट हर टॉपिक के बीच में छोड़ दीजिए, फिर तुम उस कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। हमारा क्या होता है, हम कॉपी के पेज की बचत देखते हैं, हम देखते हैं कि अरे नहीं यार, इस पेज पे तो ऐसे दबा के लिखना है कि सारा कंटेंट इसी पेज पे आ जाए। लेकिन ये नोट्स जो तुम बनाने वाले हो ना, ये तुम्हारे इस साल के लिए नहीं है, आगे आने वाले 4-5 साल में काम आने वाले हैं। आगे जब तुम टीचर बनोगे तब भी तुम्हें वे नोट्स चाहिए। तो अभी कंजूसी मत करो मेरे भाई, अभी कंजूसी करने का टाइम नहीं है, अभी अपना 100% देने का टाइम है। क्लियर है? तो अब तुम्हें जितने भी क्वेश्चन आए असाइनमेंट से या प्रीवियस ईयर से जो बहुत डिफिकल्ट है, बस उन्हें इस नोट्स में ऐड करते रहो, और यही तुम्हारे परफेक्ट नोट्स होते हैं। कि तुम एक बार इन नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे थे वो भी तुम्हारे इसमें हो गए। एंड में जाके जब तुम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे या फुल टेस्ट लगाओगे, वहां पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुमसे नहीं होगे, तो उन क्वेश्चनों को भी तुम इसी में ही डाल देना। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बस अब तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो चुका है। जब एंडिंग टाइम में, इसका फायदा क्या होगा कि जब तुम एंडिंग टाइम में पेपर देने जाओगे ना, और 15 दिन तुम्हारे बचेंगे, और उन 15 डेज में तुम्हें बस कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट्स जो तुम बनाओगे नोट्स के, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बस इन्हीं को रिविजन करना है और शॉर्ट नोट्स पढ़ने, खत्म। और तुम्हें कुछ नहीं करना, ना तुम्हें फिर से असाइनमेंट लगाना, ना तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाना। क्लियर है कि नहीं है? अरे पॉइंट समझ में आया? अभी नोट्स मेकिंग बताई है, प्रीवियस ईयर और ये सब करके। अब देखो ध्यान से, जब तुमने इतना सारा काम कर लिया, फिर क्या करना, 15 से 20 दिन बाद इस टॉपिक का रिवीजन करना। और रिवीजन के दौरान ध्यान से सुन लो, रिवीजन के दौरान फिर से वही क्वेश्चन लगाना जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी। रिवीजन कंप्लीट हुआ, रिवीजन करने के बाद जब तुम रिवीजन कर लो, तो उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओगे? शॉर्ट नोट्स इसी टॉपिक के। जैसे सपोज करो मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोल दिया, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स मैक्स टू मैक्स 5 पेज के होने चाहिए, 5 पेज के मैक्स टू मैक्स, बस 5 पेज के नोट्स होंगे, सारे कंसेप्ट उस पर लिखे होंगे, सब फॉर्मूला कोई भी कर्ड यूज कर रखो, सब कुछ उस पर लिखा होगा, जिससे तुम पेपर से 15 दिन पहले 1 घंटे में पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इस तरीके से रिवाइज कर दो। यही तो टॉपर की खास बात होती है, वो तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो बस पूरे फुल नोट्स होते हैं, तुम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना ही नहीं चाहते। फिर लास्ट के 15 दिन में तुम्हें लगता है तुमने तो सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन तुम कर नहीं पाते, और एग्जाम में जाके बैठ जाते हो, और फिर मुंह लटका के वापस आ जाते हो, और फिर रोते हो, मैंने तो मेहनत की थी सर फोड़ फोड़ के। नहीं, मेहनत तो की थी लेकिन गधों की तरह मेहनत की थी, सही डायरेक्शन में स्मार्टली मेहनत नहीं की थी। शॉर्ट नोट्स हो गए, बस कुछ नहीं, अब जब भी मन करे 1 महीने में 1.5 महीने में तुरंत उठाए नोट्स और उन्हीं का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर दिया, खत्म बात। इसी तरीके से तुम्हारी सारी सीक्वेंस चलती रहेगी, और सबसे लास्ट में जब जनवरी का मंथ आएगा, तो उस जनवरी के मंथ में तुम्हें क्या लगाने हैं, फुल लेंथ पेपर लगाने हैं, फुल टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज जो हम ज्वाइन कराएंगे, या तुम अपनी मर्जी से कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं कराने वाला हूँ, और जब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिए जिससे तुम्हारी गलतियां पता लगे, और उन गलती को समझो। ये नहीं कि साइड में नोट्स रखे हो और तुम उसमें देख देख के, तुम अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। तो जब भी तुम कोई टेस्ट दो, जब भी तुम कोई पेपर दो, तो कभी भी अपने आसपास नोट्स और फोन कभी मत रखो, क्योंकि तुम्हें वो आदत पड़ जाएगी। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि अरे साइड में नोट्स रखा होगा, और तुम दिमाग पे प्रेशर ही नहीं डालोगे, तुम उसमें एफर्ट ही नहीं डालोगे, इसलिए तुम्हारी वो चीजें दिमाग में याद ही नहीं आ पाएगी जो तुमने पहले पढ़ी थी, क्योंकि तुमने तो चीटिंग की थी, और चीटिंग जब की थी तो तुमने इधर देख लिया था, समझे?
टेस्ट सीरीज में टॉप करने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम आईआईटी जैम के पेपर में टॉप नहीं कर देते। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज में टॉप करते हैं, अरे मैं तो फर्स्ट रैंक पे चल रहा हूँ, दूसरे पे चल रहा हूँ, टॉप 100 में चल रहा हूँ, लेकिन जब फाइनल पेपर आता है तो वे पीछे मिलते हैं, उन्हें देखने को भी नहीं मिलते मुझे, वे उन्हें ढूंढना पड़ता है, अरे कहाँ बैठा है भाई साहब, कहाँ बैठा है। तुम्हें ईमानदारी बरतनी है, खुद से हमेशा ईमानदार रहना है, तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कुछ हाई लेवल की बातें हैं ना, दिमाग से लग रही होगी कि सर क्या बता रहे हो, इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। और सबसे सिक्स स्टेप, ये टाइम, इस टाइम का आज तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सर ये टाइम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। क्लियर है? अब सुनो, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। होता यह है कि अब यहां पे दो क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। पहले हुए जो बच्चे कहते हैं कि सर हमने इतना पढ़ा लेकिन एग्जाम में जाके भूल गए। दूसरे ये उन्हें पता ही नहीं होता कि किस टाइम पढ़ना है, बस जिस टाइम मन किया मुंह उठा के बैठ गए, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े और निकल लिए, ज्यादा बोल दिया हो, 1 घंटा पढ़ते हो तुम तो बस दिखाने के लिए, कभी अपने दोस्तों को कभी अपने घर वालों को, इतना तुम पढ़ते हो। तो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे अच्छा बेस्ट टाइमिंग पढ़ने का क्या है? मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जो तुम्हारे माइंड की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तुम मॉर्निंग में किसी भी टाइम उठ जाओ, या तो 4 बजे उठ जाओ, या 5 बजे उठ जाओ, या 6 बजे उठ जाओ, आराम से शांति से 3-4 घंटे, एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ लो, बस बहुत हो जाएगा, इतनी एफिशिएंसी हो जाती है। मॉर्निंग की पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हमारी क्या है, हमारी तो दिमाग खराब है, हम क्या करते हैं पूरी रात तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाते हैं, 2-3 बजे हम सोने लगते हैं और दोपहर में जाके उठते हैं, दिन में पता नहीं किस टाइम मन किया तो पढ़ लेंगे, वरना रात को 1-2 घंटे बुक देख ली, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम आईआईटी जैम करना चाहते हो तो तुम्हें रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट यह है कि तुम्हें यहाँ पे डेली प्लान बनाना पड़ेगा। डेली प्लान क्या है कि सपोज करो कि तुमने प्लान बनाया कि आज मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तुम्हें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ी टॉपिक है, सपोज करो कि इसमें 15 टॉपिक है, और तुमने अपना टारगेट सेट किया कि आज मुझे इस थर्मोडायनेमिक्स के 8 टॉपिक पढ़ने हैं। अब तुम कैसे भी करो तुम्हें अपना टारगेट अचीव करना है 100%। तुम बैठ जाते हो और मन से पढ़ना है और अचीव करके तुम पहुंच पाते हो कि सर आप तो हमने 80% टारगेट अचीव कर पाए, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम 6 से 7 टॉपिक ही कंप्लीट कर पाए, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम अपने टारगेट के नजदीक हो। तो डेली तुम्हें इसी तरीके से अपने टारगेट बनाने हैं और उन टारगेट को कंप्लीट करना है, उन टारगेट को कंप्लीट करना है, और तुम चाहे किसी भी टाइम स्लॉट में पढ़ लो पर तुम्हें अपना टारगेट कंप्लीट करना है डेली, एक ना एक किसी जंग से लड़ना है कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये कंप्लीट करना है, इसके प्रेशर लगाने, बस। अब तीसरी चीज मैं तुम्हें बताने लगा हूं, बस टाइम तुम मॉर्निंग का बता दिया, असाइनमेंट सॉल्विंग और अटेम्पिंग टेस्ट सीरीज जब तुम जनवरी में होंगे तो जनवरी से बस कुछ नहीं करना, टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन, इन दो कामों के अलावा तुम्हारे पास तीसरा काम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से तुम्हें इसकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लास्ट में एंडिंग में बताऊंगा जब दिसंबर में पहुंच जाऊंगा, जब सब कुछ तुम्हारा प्रिपेयर हो चुका होगा और मैं तुम्हें पूछूंगा कि क्या तुमने ये स्टेप फॉलो किए थे। तो मैं आशा करता हूं कि इनमें मुझे मैक्सिमम बच्चे वो मिले कि हाँ सर हमने आपके बताए हुए स्टेप फॉलो किए थे और आज हम सही मुकाम पे हैं कि हमारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हो गया है और हम अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब तुम्हें एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और साइंटिफिक स्टडी है कि जब भी तुम्हारा पेपर का टाइम स्लॉट है, कोई भी तुम्हारा पेपर का टाइम स्लॉट है, मैं बता रहा हूं, सपोज करो कि तुम्हारा पेपर होता है 9 से 12, लेकिन तुम 9 से 12 के केस में क्या कर रहे हो, पिछले लास्ट 6 मंथ से या तो तुम सो रहे हो, या तो तुम सो रहे हो अच्छे से मजेदार नींद ले रहे हो, या उसमें घूम रहे हो, या फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, मतलब दिमाग पे कोई जोर डाल ही नहीं रहे हो, मतलब जो तुम्हारा 9 से 12 का 3 घंटे का स्लॉट है, जो कि तुम्हारे माइंड की एफिशिएंसी है, उस पर कोई भी फर्क नहीं डाल रहा, उसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब माइंड भी उन 6 महीनों से उस स्लॉट में ढल चुका है कि हाँ मुझे पता है ये 9 से 12 कुछ नहीं करेगा, ये बैठेगा बस, खाएगा पिएगा सो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि 6 महीने बाद तुम आते हो, तुमने चाहे कितना भी पढ़ा हो,
मैं तुम्हें बता रहा हूं ये जनरल, मैं सच में सच बता रहा हूं, ये आजमा के देख लेना। हाँ एग्जाम्पल भी दूंगा कि 9 से 12 तुम चाहे बैठे, 6 महीने बाद उठे और तुम्हारा ITJM का पेपर आ गया और 9 से 12 तुम पेपर देने चले गए और जैसे ही तुम एग्जाम में पहुंचे, एग्जाम में दिमाग खराब, दिमाग तो अंदर से भी खराब है और तुम्हारा भी खराब है, दिमाग कहेगा इसको पागल हो गया क्या ये, 9 से 12 में तो ये सो रहा था, अरे तो बैठा था, इस टाइम तो इसका रेस्ट करने का टाइम है, इस टाइम पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है। और हम वहां पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पे वो माइंड है वो अच्छा फर्क, अच्छा मतलब उस टाइम पे वो माइंड है ना वो रेस्ट पे है। लेकिन तुमने बात जरूर नोटिस की होगी, जैसे ही तुम एग्जाम देके घर आते हो और घर आते आते तुम वे सारे क्वेश्चन सोल्व करने लगते हो, आते हो कि नहीं आते, आते घर आते तुम बैठोगे तो सारे क्वेश्चन फटाफट लगा दोगे, तुम्हें किसी बुक की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें याद आ जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे तुम डेली अपने माइंड पे प्रेशर ले रहे थे, कुछ ना कुछ उस टाइम पे अपना प्रेशर करके या टेस्ट सीरीज लगा के उस फिक्स टाइम पे तुम, या मान लो कि इवनिंग टाइम में तुम आते बैठोगे घर पे और पेपर सोल्व करने लग जाओगे और सारा पेपर तुमसे हो जाएगा। तो वो रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा माइंड प्रॉपर प्रेशर ले रहा था और काम कर रहा था। तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है तुम्हें कि जब भी तुम जनवरी के महीने में टेस्ट सीरीज लगाओ तो तुम्हें पता होगा कि ITJM का पेपर किस स्लॉट में होने वाला है, या तो 9 से 12 होगा या फिर 2 से 5 होगा। तो तुम सारी की सारी टेस्ट सीरीज हर एक पेपर इसी टाइम स्लॉट में लगाना है, 3 घंटे तुम्हें डेली बैठना है, 1 महीने तक डेली अपने माइंड को प्रैक्टिस करानी है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ये चीज तुम्हें नहीं पता होगी लेकिन ये चीज बहुत फायदेमंद साबित होगी, चाहे देख लेना। कभी कभी तुमसे दिन में क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि तुम्हारा माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, लेकिन रात को जब तुम्हारा पीक पॉइंट होता है पढ़ने का, जब तुम डेली पढ़ रहे होते हो, सपोज करो कि तुम 8 से 12 के बीच में पढ़ रहे हो और तुम रात को उसी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हो तो वो क्वेश्चन हो जाता है। रीजन इज दैट क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा माइंड प्रेशर लेता है और उसको टैकल करता है। तो अपना तरीका बदलिए, ये चीजें तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बताने वाला, इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत देखा है उधर कि क्या कमी रहती है बच्चों को, क्या गलतियां करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट सेशन को लाइक करो, अरे लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे लास्ट कि तुमने इतने स्टेप कर लिए, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी। ये देख रहे हो, ये स्टेप क्यों बनाया मैंने? ये स्टेप इसलिए बनाया कि हमें रुकना नहीं है, हमें कभी भी रेस्ट पे नहीं रहना है, नो रेस्ट, जब तक पेपर नहीं आ जाता, जब तक तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर देते, कोई भी रेस्ट नहीं लेना, बना के रखनी जरूरी है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बना के रखनी जरूरी है, क्योंकि यही सक्सेस की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस करने की या उसको हासिल करने की यही एकमात्र की है। मैं आज तुम्हें मोटिवेट कर दिया, पूरी वीडियो तुमने इस एग्जाम पैटर्न की देख ली, स्ट्रेटेजी समझ ली और आज ही मोटिवेट होकर तुमने 16 घंटे पढ़ दिया। तुम्हें लगेगा कि बस अब IIT एग्जाम में तो मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, लेकिन मैं 3 दिन बाद फिर तुमसे मिलता हूं और पूछता हूं कि बता राहुल कितना पढ़ा है, अरे बताना कितना पढ़ा है, तो तुम बोलोगे कि सर मैं तो 2 घंटे पढ़ा है। बस यही नहीं चाहिए मुझे, यही नहीं चाहिए तुमसे। तुम एक दिन में 10 घंटे, 16 घंटे या 20 घंटे या 8 घंटे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़वाना तुमसे ये। मैं चाहता हूं कि तुम डेली 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, डेली वो भी सफिशियंट है, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, रेगुलर, कोई ब्रेक नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डेली 6 घंटे देने हैं तो देने हैं, बात खत्म। तुम्हें डेली 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म, चाहे कैसे भी पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन में 2 घंटे पढ़ लिए, कोई बेनिफिट नहीं है, डेली पढ़ो, समझे इसके पीछे का राज, समझ पाए जो मैंने तुम्हें माइंड प्रैक्टिस बताई। टॉपर क्या होता है, जो भी कोई टॉपर होता है वो उस चीज को रेगुलर फॉलो कर रहा है, रेगुलर अपने माइंड पे प्रेशर डाल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन प्रेशर डालते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, फिर 3 दिन डालेंगे, फिर 4 दिन छोड़ देंगे। तो समझ रहे हो ना, जो पीछे मैंने फिलोसफी बताई थोड़ी सी वो माइंड की, वो सब गड़बड़ा जाती है। तो मैं तुम्हें ये लास्ट स्टेप है, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं बना के रखी और खुद को पॉजिटिव नहीं रखा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बस यही 7 स्टेप है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो जल्दी से फटाफट बताओ सात कहला। पहला क्या है? डिसीजन बनाना है। दूसरा क्या था बताओ? दूसरा, दूसरा तुम्हें उसका सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या रहा है। तीसरा उसका पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या है। फोर्थ तुम्हें स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। फिफ्थ क्या है? डेली के प्लान बनाने हैं। तुम्हें सोचना है कि नोट्स कैसे बनाना है, सेगमेंट सॉल्यूशन कैसे करना है। सिक्स हो गया कि तुम्हें डेली का एक शॉर्ट टारगेट रखना है कि मुझे इतना टॉपिक इतने दिन में कंप्लीट करना है, आज मुझे इतना करना है और उसको अचीव करना है। अगर तुम अपने टारगेट का 80% भी डेली का अचीव कर पा रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो मेरे भाई, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपने टारगेट का 80% अचीव कर पा रहे हो। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, रेगुलर पढ़ना है। और अब अगर तुम्हें कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है तो बताओ, मैं बिंदास हूं तुम्हें बताने के लिए। अगर तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूनिक ना लगी हो और ऐसी चीज तुमने पहले किसी से सुनी हो तो मुझे बताओ। यही तरीका है, यही तरीका है। जिंदगी में एक बार मेहनत करनी है, चाहे तुम आज मेहनत कर लो आई जैम के लिए, आई जैम में मेहनत कर लो के तो नेट के लिए गेट के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर तुमने आज मेहनत नहीं की तो फिर नेट और गेट के लिए तुम्हें दो दो तीन तीन साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। बोलो स्वाहा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, और आपको सेशन कैसा लगा वो भी मुझे बताएं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिए, और मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कीजिए। मंजीत धामा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मंजीत धामा डालो, प्रोफाइल पे टिक का निशान लगा दो, बस। और साथ ही साथ तुम्हें मैं बता दूं, ये डेली टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं वीकली, उनका सारा का सारा जो होता है कि किस में कौन से दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, वीकली में किस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, वो तुम्हें कम्युनिटी बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कुछ भी हो अपने मजे में कमी नहीं आनी चाहिए। फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा तुम्हें ये लेक्चर लगा। इसी तरीके के सारे नेक्स्ट सेशन मेरे आने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, डेली लाइव सेशन में लेने वाला हूँ। डेली कुछ ना कुछ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, आपका दिन प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया, जो प्रीसर में आया, जो असाइनमेंट में आएगा, वो सब कुछ मैं तुम्हें डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट जल्दी से मुझसे जुड़ जाइए। और जिसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वो MDD10 कोड यूज करिए, मैं उसके साथ अंत तक खड़ा रहूंगा जब तक वो कॉलेज में नहीं पहुंच जाता। तो थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दबाइए।